नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। वक्त एमपी अब तक का हो गया है, मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां कर्मचारी चयन मंडल ने एक और रिजल्ट वापस ले लिया है। वरिष्ठ कृषि अधिकारी के रिजल्ट को होल्ड कर लिया है, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी के परिणाम होल्ड किए गए हैं। ग्रुप वन सब ग्रुप वन के तहत हुई सभी परीक्षाओं के परिणामों को होल्ड कर लिया गया है। 30 जनवरी को रिजल्ट घोषित किया था, बोनस पॉइंट न जोड़ने की वजह से रिजल्ट को होल्ड कर लिया गया है। संशोधित परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे, बड़ी खबर यह आपको बता रहे हैं। कर्मचारी चयन मंडल ने एक और रिजल्ट वापस ले लिया है, वरिष्ठ कृषि अधिकारी के रिजल्ट को होल्ड किया गया है। ग्रुप वन सब ग्रुप वन के तहत हुई सभी परीक्षाओं को होल्ड किया गया है। 30 जनवरी को रिजल्ट घोषित किया गया था और बोनस पॉइंट ना जोड़ने की वजह से रिजल्ट को होल्ड कर दिया गया है। जल्द ही जो संशोधित परीक्षा परिणाम है वो जारी किए जाएंगे, ये कहा जा रहा है। तो कर्मचारी चयन मंडल ने रिजल्ट वापस ले लिया है। ग्रुप वन और सब ग्रुप वन के तहत जो परिणाम जारी किए गए थे उन्हें होल्ड कर लिया गया है। 30 तारीख को ही अनाउंस हुए थे रिजल्ट। वासु चौरे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। वासु, 30 तारीख को रिजल्ट अनाउंस होता है, 31 का दिन बीतता है और 1 तारीख को रिजल्ट होल्ड कर दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए लगातार जो परीक्षाएं हुई हैं और परीक्षाओं के रिजल्ट सामने आए हैं उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी या कुछ ना कुछ कमी जो है वो अक्सर रह जाती है और यही चीज जो है वो एक बार फिर से हाल ही में जो परीक्षाओं के रिजल्ट जारी किए गए थे कर्मचारी चयन मंडल की ओर से उसमें एक बार फिर से बोनस अंकों को लेकर जो कुछ प्रावधान होते हैं वो पूरे नहीं हो सके थे। ये वजह जो है वो उसके पीछे बताई जा रही है और इसलिए रिजल्ट को होल्ड जो है वो किया गया है, विड्रॉ जो है वो किया गया है। और ताकि चयन मंडल का ये कहना है कि जल्द ही ये पूरे जो रिजल्ट हैं परीक्षा परिणाम जो हैं वो फिर से दोबारा जारी कर दिए जाएंगे और अगर दोबारा परिणाम जारी होते हैं और उसमें जो एडिशनल सब मार्क्स बोनस के तौर पर मिल रहे हैं जब वो मार्क्स ऐड होके आएंगे तो जो मेरिट लिस्ट है और जिन रैंकिंग अभी मौजूदा रिजल्ट में जो अभ्यर्थी थे उन्हें प्राप्त हुई थी उसमें भी थोड़ा बहुत जो फेरबदल है वो कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है। जी वासु, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मोहन सरकार की युवाओं को सौगात, सेना में भर्ती के लिए युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, अभ्यर्थियों को सरकार मुफ्त में ये ट्रेनिंग देगी, अग्निवीर परीक्षा देने वालों को ट्रेनिंग मिलेगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युवाओं के लिए ये मोहन सरकार एक खास योजना लेकर आई है, सेना में भर्ती के लिए युवाओं को ट्रेनिंग देगी सरकार और ये ट्रेनिंग सरकार मुफ्त में अभ्यर्थियों को देगी, अग्निवीर का एग्जाम देने वालों को ट्रेनिंग मिलेगी। तो सेना में भर्ती के लिए ये ट्रेनिंग दी जाएगी, अग्निवीर परीक्षा देने वालों को ट्रेनिंग मिलेगी, मुफ्त में सरकार अभ्यर्थियों के लिए ये प्रशिक्षण उन्हें देने की योजना बना रही है। उस अग्निवीर योजना में अकेले आपके यहाँ मध्य प्रदेश से ही 2,37,000 युवाओं ने अग्निवीर के लिए आवेदन किया था, लेकिन अग्निवीर योजना के आवेदन करने के आधार पर उनकी प्रशिक्षण की जरूरत भी है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे आज के समय में ये गणित के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कई विषयों को लेकर के और सामान्य विषय को हमारे बच्चे अगर ट्रेनिंग नहीं पाता है पहले से तो सबकी भर्ती नहीं हो पाती। तो हमने आज ये नई योजना लॉन्च की है, अब लगभग प्रति बैच में 360 घंटे का निशुल्क प्रशिक्षण मध्य प्रदेश सरकार चालू करने जा रही है, जिसको आज घोषणा कर रहा हूं वो सारा पैसा सरकार उठाएगी, हमारे बच्चे निशुल्क कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे। उस अग्निवीर योजना तो सुना आपने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, ये योजना का ऐलान सीएम की तरफ से आज किया गया मुरैना में और मोहन सरकार की युवाओं को सौगात, सेना भर्ती के लिए ट्रेनिंग मिलेगी, ट्रेनिंग फ्री में उपलब्ध कराएगी सरकार। तो सीएम यादव मुरैना के दौरे पर रहे, मुरैना में सीएम ने राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम में शिरकत की, कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद से नई परंपरा शुरू की गई है, इसके तहत जिस संभाग के विकास पर बैठक करनी है वो उसी संभाग में की जाएगी। सीएम ने इससे पहले चंबल संभाग के विकास
की समीक्षा भी अधिकारियों के साथ की। सीएम ने मुरैना में शुगर फैक्ट्री लगाने के साथ ही किसानों को बकाया 56 करोड़ देने की घोषणा भी की। इससे पहले उन्होंने रोड शो किया और जनता का आभार जताया। अपने संबोधन में सीएम ने ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साधा। आदर्शों को कैसे भूल सकते हैं? हमारे जिन पे वर्षों से श्रद्धा है उसको नकार कैसे सकते हैं? हम अपने भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, अब तो न्यायालय को भी धन्यवाद। बाबा विश्वनाथ के कली मंदिर में फैसला हुआ है ज्ञानवापी देवस्थान के बारे में, अब न्यायालय भी इस बात को बार बार कांग्रेस के मुंह पे मार करके बता रही है। ये सारे पाप आपके हैं, ये जितने भी गलत काम किए ये कांग्रेस ने किए। जिस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है उसकी बात उसी जगह पर होना चाहिए, उसी भाव के आधार पर आज आपने चंबल की बात चंबल में करने के लिए आए। इस क्रम को हमने जारी रखा है कि अब हमारे कामों को लेकर के हम केवल भोपाल में बैठ के बात नहीं करेंगे, जहां की बात वहां करेंगे, वो जवाबदार रहेंगे, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे, ये परंपरा हम स्थापित करना चाहते। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। बजट का बीजेपी ने स्वागत किया, जबकि कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक करार दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले इस बजट को अहम माना जा रहा है। बजट को लेकर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे से प्रतिक्रियाएं आई। बीजेपी ने बजट का स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बजट को समावेशी बताया। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। अमृतकाल में भारत को 2047 तक दुनिया का नंबर वन देश बनाने की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं उसके परिणाम है। तो वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बजट आर्थिक रूप से भारत को संपन्न बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, जबकि मंत्री प्रहलाद पटेल ने हर वर्ग का ध्यान रखने की बात कही। उसके स्वयं के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी इस बजट में दी है और इसे मैं वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आए हुए इस बजट को के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी का फोकस है वो गरीब कल्याण पर, महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण और किसान की किसान, ये चार वर्ग को इस बजट ने एकदम प्रभावित किया। उधर एमपी में विपक्ष में बैठी कांग्रेस के नेताओं ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बजट को झुनझुना करार दिया। तो वहीं प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ने बजट से निराश होने की बात कही, जबकि विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि आम जनता के लिए कुछ नहीं है, विजन वाला बजट नहीं है, ये कहीं से कहीं तक किसी भी वर्ग को फायदा पहुंचाने वाला बजट नहीं है। निश्चित तौर से लोगों को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी विधानसभा चुनाव के समय में घोषणाएं करके गए थे, हर महिला को इससे उम्मीद थी। पब्लिक को गुमराह करने वाला और एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जिस पर हम उनकी स्वागत करेंगे। इस बजट में कोई ऐसा प्रावधान रखा, बल्कि दुर्भाग्य है कि किसानों का और आम जनता की महंगाई का कोई प्रावधान, कोई ख्याल नहीं रखा कि उसके अंदर महंगाई कैसे कम की जाए। ईंधन के दाम कम करे तो हवाई ईंधन के दाम कम करे, जो एक हंसने का पर्याय बन चुका। हवाई ईंधन इसलिए कम करे कि साहब को विदेशी दौरे ज्यादा करना देते हैं तो बजट ज्यादा ना दिखे, उसलिए हवाई ईंधन कम कर दिया और बाकी जगह महंगाई जो की। तो बजट पर सियासत कोई नई बात नहीं है। सत्ता पक्ष जहां बजट की तारीफ करता है तो वहीं विपक्ष आलोचना करता है। कई बार आलोचना के लिए बहाने भी तलाश लिए जाते हैं। ज्ञानवापी पर कोर्ट के फैसले के बाद अब धार के भोजशाला में पूजा करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि भोजशाला के तथ्य और प्रमाण खुद अपनी कहानी कह देंगे। उषा ठाकुर ने कहा कि ज्ञानवापी में भी सिद्ध हुआ है, हकीकत सामने आई है, कोर्ट का अगर फैसला आता है तो वहां भी पूजा होगी। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता जेपी धनोपिया ने कहा कि मामला कोर्ट में है, ऐसे में जो फैसला कोर्ट लेगा उसका इंतजार करना चाहिए। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि ज्ञानव्यापी में भी तथ्यों ने ये सिद्ध किया कि ज्ञानव्यापी मंदिर भगवान शिव का ही था। वो ऐसे ही भोजशाला के तथ्य और प्रमाण खुद अपनी कहानी कह देंगे कि राजा भोज ने किस उद्देश्य से उसका निर्माण किया था, और जब ये कोर्ट से सिद्ध हो जाएगा तो हम सब
वहां वाग देवी की प्रतिमा स्थापित करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जीत के इस परचम को निश्चित रूप से फहराएंगे। देश के अंदर जो भी प्रकरण न्यायालय के पास होते हैं उसके संदर्भ में उसको जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता कोई नजीर नहीं बनाई जा सकती है। निश्चित रूप से जो ज्ञानवापी मंदिर के अंदर पूजा का जो आया है वो स्वागत योग, उसमें किसी को आपत्ति क्या है, पूजा भगवान की हो रही है, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके पास आधार होंगे किस तरह के दिए हैं। अब ये भोजशाला के नाम पर जो परमिशन की मांग कर रहे हैं तो ये अपना लीगल पॉइंट्स बताएं, मेरिट्स बताएं, क्यों इनको परमिशन की आवश्यकता है, ये क्या क्या कि वहां परमिशन मिल गई है या परमिशन मिल जाए। मैं समझता हूँ ये कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी तेज कर दी है, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है कांग्रेस। 3 फरवरी को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करने जा रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष रजनी पाटिल ये बैठक करेंगी, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी बैठक में शामिल होंगे। 29 लोकसभा सीट है मध्य प्रदेश के अंदर, 29 सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे उनके नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। भोपाल में राहुल की यात्रा के लिए समिति बनी है, न्याय यात्रा के लिए समितियों का गठन किया गया है। कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी मिली है, प्लानिंग कमेटी में जीतू पटवारी और कमलनाथ भी हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को भी जगह मिली है। पब्लिसिटी कमेटी में सचिन यादव और भूपेंद्र गुप्ता को स्थान मिला है। सीहोर में महिला विकास परियोजना अधिकारी ने शिकायत करने वाले को ही जेल भेजने की धमकी दे डाली। धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। उधर मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। देखो, आप शांति का माहौल कर लो, नहीं तो स्थिति इतनी बुरी बिगड़ेगी, तुम भी जेल जाओगे, उसको वाली भी जाओगे। तस्वीरें सीहोर की हैं। यहां अधिकारी शिकायत की जांच करने आई हैं। सफेद शर्ट में राजेश रजक है। राजेश ने मुंगावली दोराहा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण आहार को लेकर कलेक्टर को शिकायत की। शिकायत की जांच के लिए महिला विकास की परियोजना अधिकारी पहुंची, लेकिन जांच में शिकायतकर्ता को ही धमकी देने लगी। नहीं तो स्थिति इतनी बुरी बिगड़ेगी, तुम भी जेल जाओगे, तुम्हारी भी। मैडम बाद में कुछ नहीं है ना कि ऐसी बात है। उधर अधिकारी के धमकी से परेशान राजेश दूसरे ग्रामीणों के साथ एक बार फिर कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे। इन लोगों ने अधिकारी पर भी कार्रवाई की मांग की है। आंगनबाड़ी में पोषण आहार नहीं मिलता है और लड़का मेरा बीमार है, इसलिए आए थे कलेक्टर साहब के पास, हम दे गए थे उसकी जांच के लिए। माधवी सिंह मैडम जो गई थी वो तो मुझे जेल भेजने की धमकी दे रही थी। उधर कलेक्टर ने शिकायत मिलने पर जांच के आदेश दे दिए हैं। एक आवेदन मुझे अभी मिला है और एक वीडियो मिला है, उसमें हितग्राही और महिला बाल विकास के किसी अधिकारी के बीच में बातचीत हो रही है। पूरे तथ्य और पूरे वीडियो को देखने के बाद मैंने जांच जो एसडीएम को सौंपी है। एसडीएम पूरे मामले की जांच कर लेंगे, जांच करके जो रिपोर्ट देंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अधिकारियों की बदसलूकी पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त हैं। ऐसे में उम्मीद है कि कलेक्टर जांच करेंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुरैना में भी अधिकारियों के रवैये को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सीएम के कार्यक्रम से पहले राजस्व अधिकारी और पुलिस वालों के बीच बहस हुई तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासन ने सीएम की बैठक में नहीं जाने दिया, इसे लेकर वो आहत दिखी। तस्वीरें मुरैना के कृषि उपज मंडी की हैं। ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आने से पहले का मामला है। पुलिस अधिकारी के साथ एक व्यक्ति बहस कर रहा है। आरोप है कि सीएम के कार्यक्रम के प्रोटोकॉल का हवाला देकर पुलिस ने राजस्व अधिकारी को बाहर जाने को कहा। इस पर राजस्व विधायक के आरआई ने आपत्ति जताई। बाद में एसडीएम ने पुलिस और आरआई को समझा बुझा कर मामले को शांत कराया। मुरैना की एक और तस्वीर देखिए। आंखों से आंसू लिए जा रही ये जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। सीएम मोहन यादव अधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में शामिल होने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर भी पहुंची, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। मैं कलेक्टर में आई हूँ, मेरा मुझे यहाँ से रोक दिया गया कि आप ऊपर नहीं जा सकते हैं मीटिंग हॉल में, आप नीचे जाकर बैठिए, नीचे मत नहीं आएंगे वो आपसे। किसने कहा आपसे? एडीएम साहब ने। एडीएम
फिर आपने क्या कहा, वापस जा रहे हैं? मैं क्या करूँ, मैं तो रुक जाऊंगी, और मेरा ऐसा बोला गया है कि आप जा नहीं सकते, तो मैं तो वापस जा रहा हूँ। क्या लग रहा है, क्यों नाम नहीं रहा आपका, क्यों प्रोटोकॉल में नाम नहीं रहा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर हैं। अब ये अधिकारी जाने क्यों नहीं है ऐसा, हमारी बीजेपी सरकार इतना अच्छा काम कर रही है और प्रोटोकॉल रख रही है, ये अधिकारी लोग क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। आरती गुर्जर ने प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाया और जानबूझकर अनदेखी करने के आरोप लगाए, साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से शिकायत करने की भी बात की।